पे, यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंडुलम की रेस्ट पोजीशन से, पेंडुलम यानी कि ये रेस्ट पोजीशन में इसे ओ मार्क करूँगी, यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा जब आप फोर्स लगाएंगे। आपने फोर्स लगाई है, आपने फोर्स लगाई है किस इस डायरेक्शन में, ठीक है। अब ये किसी और एक्सट्रीम पॉइंट तक आएगा, ठीक है, जिसे मैं मार्क कर देती हूँ ए, ठीक है। और फिर ये किसी एक्सट्रीम पोजीशन तक जाएगा जिसे हम मार्क कर देते हैं बी। तो मतलब ये एग्जीक्यूट करेगा सिंपल हार्मोनिक मोशन जब तक के फोर्स इसके अंदर है, लेकिन एट रेस्ट पोजीशन के पास सिर्फ और सिर्फ रेस्ट पोजीशन पे वेट है। वेट किसके इक्वल होता है, आप कहते हैं वेट है एम जी के इक्वल। और क्या है, और है इसके पास टेंशन टी, जो कि अपवर्ड है बिल्कुल वेट के ऑपोजिट। ये दो फोर्सेस हैं फिलहाल के लिए। आपने एक फोर्स सोर्स लगा दी विच इज़ एफ़, जो कि डायरेक्शनल है, ठीक है, यानी जिसकी डायरेक्शन में बॉडी मूव करती है या पेंडुलम ये वाला मूव करेगा, और फिर रिस्टोर करेगा आपकी फोर्स को। बेसिकली बेटे रेस्ट पॉइंट पे उसके पास, यानी कि इस बॉल के पास जो हैवी मास है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी या ज़ीरो होगी, ना ही पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेकिन जब आपने मूव करवा दिया तो इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट यानी कि एक्स कवर कर लिया है, अब इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अब ये जब एक पॉइंट पे पहुंच जाएगा जिसे आप कह रहे हैं ए पॉइंट, यहाँ काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी दोबारा, क्योंकि इस पॉइंट पे ये एक पोजीशन है, चेंज ऑफ पोजीशन है, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, ठीक है। और ये पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे सिर्फ होगी हाइट पे। जब ये वापस मूव करेगा, बैक मूव करेगा इस फोर्स को रिस्टोर करने के बाद, और कहाँ से गुजरेगा, रेस्ट जो इसकी पोजीशन ओ पोजीशन है वहाँ से, स्टॉप नहीं करेगा यहाँ, क्योंकि इनर्शिया की प्रॉपर्टी इसके अंदर है और वो इसे मूव करवाएगी और आगे एक और एक्सट्रीम पॉइंट तक, दैट इज़ बी, और फिर बैक मूव करवाएगी। तो बेटे ये कुछ आप मोशन देख सकते हैं, इस तरीके से बॉडी मूव करती रहेगी जब तक कि इसके अंदर फोर्स मौजूद होगी जो आप अप्लाई कर रहे हैं। रेस्ट पोजीशन के गिर्द बॉडी मूव कर रही है, ठीक है जी। दिस वाज इट्स रेस्ट पोजीशन एंड इसके गिर्द बॉडी टू एंड फ्रो मोशन किए जा रही है, ठीक है। अच्छा जी, जब आपने करवाया तो ये था पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन यानी कि डिस्प्लेसमेंट जो आपने मूव करवाया। लेकिन जब ये इस साइड को मूव करती है तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कवर करती है, नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट भी कवर कर रही है। मैं जो वर्ड्स बोल रही हूँ आई थिंक ये आप लोगों को समझ आ रहे होंगे, डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस कवर कर रही है रेस्ट पोजिशन से। तो जितना पॉजिटिव में करवा रहे वर्क डन उतना ही नेगेटिव में भी हो रहा होगा, बॉडी करेगी डिस्टेंस कवर, ठीक है। अच्छा जी, आपकी सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन यही है कि बॉडी का टू एंड फ्रो मूव करना, टूवर्ड्स मीन पोजीशन और फॉरवर्ड मीन पोजीशन या अबाउट मीन पोजीशन, टू एंड फ्रो मोशन ऑफ अ बॉडी इज़ एक सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये सिंपल पेंडुलम को बहुत यूटिलाइज किया गया, जैसे क्लॉक्स में आप देख सकते हैं। तो इसके टाइम पीरियड को भी हम पढ़ेंगे, इसका टाइम पीरियड क्या है और किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। टाइम पीरियड क्या है, ये मूव करना है इसका, यहाँ से यहाँ तक इस पोजीशन तक दोबारा आना, ये इसका टाइम पीरियड है, ठीक है। और टाइम पीरियड किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है, लेंथ ऑफ द वायर जो आपकी स्ट्रिंग है, दूसरा मैस जो आपने मैस लगाया, ठीक है जी, एंड फोर्थ जितनी ज़्यादा लेंथ होगी उतना ये सरफेस के करीब होगा, नीचे होगा, ठीक है, सरफेस पे लगा हुआ होगा तो उतने ही इसके ऊपर ग्रेविटी ज़्यादा होगी। जितना ही लेंथ आपके पास कम होती जाएगी,
उतने ही ग्रेविटी का फैक्टर भी रिड्यूस होता जाएगा। ठीक है, तो आपने ये देखा। अब हम थोड़ा सा पढ़ते हैं इसको डिटेल में।